हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द वेयर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल बॉनलेस चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज जो ये वाला चिकन है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाला है। तो कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे, गैस की फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम के बीच में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा बोनलेस चिकन जो कि मैंने लिया है 600 से 700 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका जो पानी है बिल्कुल निचोड़ लिया है। तो इसको हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और अब हम इसको ऑयल के अंदर अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए ऑयल में हो चुके हैं 2 से 3 सेकंड। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 हरी इलायची कट करके रफली। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चिकन है उसने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो ज़्यादा पानी रिलीज़ नहीं किया है क्योंकि हमने इसको वॉश करके इसका जो पानी है वो निचोड़ लिया था, लेकिन फिर भी जो चिकन है उसने अपना पानी रिलीज़ किया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बोनलेस चिकन जो है हमारा इसको हमने अच्छे से भून लिया है। जो पानी था वो सारा ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ऑयल ही ऑयल बचा है और जो हमारा चिकन है वो भी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 से 5 टमाटर जिनको मैंने स्लाइस इस तरीके से कट किया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम चिकन के ऊपर इन सारे स्लाइसेस को रख देंगे हम चिकन के ऊपर और इसको हम ढक देंगे और ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारे टमाटर हैं ये बहुत ही अच्छे से गल नहीं जाते। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। तो लो फ्लेम पर हमने इसको कुक कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर हैं बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो स्पून से अच्छे से तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे चिकन के अंदर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो सारे टमाटर को हम बहुत ही अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स कर देंगे क्योंकि जो हमारे टमाटर है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे अब इस टाइम, क्योंकि टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टमाटर है वो चिकन के अंदर बहुत ही अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और रेड चिली पाउडर डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी इसके अंदर नमक का यूज़ किया था। और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स और 1 डाल देंगे हम हरी मिर्च रफली चॉप करके डालेंगे। और यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर, यानी कि 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और जो मिर्च हैं उनकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने रेड चिली पाउडर का भी यूज़ किया है, ग्रीन चिली का भी यूज़ किया है, ब्लैक पेपर पाउडर का भी यूज़ किया है। तो इन सारी जो मिर्च हैं उनकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिला दी हैं। तो अब हम चिकन को करेंगे कुक लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक कि जो ऑयल है वो सारा ऊपर नहीं आ जाता और हमारे सारे मसाले बहुत ही अच्छे से कुक नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो चिकन के ऊपर आ चुका है और जो हमारे मसाले हैं वो भी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से हर एक मसाला आपस में मिल चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 100 ग्राम दही। याद रखिए दही जो है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही होनी चाहिए। तो दही को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करेंगे दही को और दही को तब तक पकाएंगे जो दही का पानी है और जो दही है वो अच्छे से चिकन के अंदर
मिल नहीं जाते और बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें आपस में कुक नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दही है वो सारी हमारी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है, जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ लेमन ड्रॉप्स और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक के टुकड़े और हरा धनिया। अब हम इसको 3 से 4 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन को 4 से 5 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है, जो सारा ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस चिकन कढ़ाई बनकर हो चुका है रेडी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल द वी एस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।